हाई एवरी वन दिस इज़ वे आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है मिल्क क्रिएट चैलेंज के बारे में ये मिल्क क्रिएट चैलेंज क्या है कितना हानिकारक है ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टूगैदर वी केन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी देखिए जन्माष्टमी सेल चल रही है थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट लास्ट डेट है इस सेल की जितने भी स्मार्ट कोर्सेज हैं उन सब पे सेल है जैसे यूपीएससी का हमारा कोर्स हो गया एसएससी स्टेट पी यूपीएससी ऑप्शनल्स का यहाँ पर सबकी लिस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट नाइनटीन कोर्स की लिस्ट तो आपको यहीं पर दिख रही होगी तो आप जो नीचे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉल करके डिटेल्स जो हैं डिटेल में जानकारी वो ले सकते हैं अब देखिए मिल्क क्रेट चैलेंज क्या है ये इंजूरियस टू हेल्थ है सोशल मीडिया आजकल हम सब यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं पहले टिकट था टिकटॉक को इंडिया ने बैन कर दिया लेकिन आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे यू है वहाँ पे टिकटॉक चल रहा है इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस कर दी रील्स में भी हम देखते हैं कोई ना कोई लेटेस्ट ट्रेंड पे वीडियोस जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स वो बना रहे हैं वीडियो क्रिएटर्स वो बना रहे हैं कुछ बहुत ही इंजॉयमेंट वाली एंटरटेनमेंट वाले रील्स रहते हैं दे आर गुड बट कई बार कुछ इस तरह का ट्रेंड पॉप अप होता है जो किसी के लिए मेंटली या फिजिकली हार्मफुल हो सकता है ऐसे ट्रेंड्स को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए तो इसी तरह का एक ट्रेंड है ये मिल्क क्रेट चैलेंज एक इंजूरियस हानिकारक नया ट्रेंड है और इससे पहले एक कुछ समय पहले आपने देखा होगा टाइड पॉड चैलेंज आया था टाइड जो डिटर्जेंट है जैसे कपड़े होते हैं पॉड्स निकाले थे उन्होंने काफी कैंडी जैसे दिखते थे तो टाइट पॉड चैलेंज में क्या होता था काफी लोग उसको यू नो कंज्यूम करते थे अब कोई डिटर्जेंट है वो कंजम्पशन के लिए ह्यूमन कंजम्पशन एज फूड के लिए नहीं बना है वो केमिकल्स है वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं तो इसी तरह से अब मिल्क क्रेट आ गया क्रेट क्या होता है जिस तरह से ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं यूज़ किए जाते हैं जैसे आप पिक्चर में साइड पे देख सकते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क की बॉटल्स को एक जगह से दूसरी जगह रिटेल्स तक जो है ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं अब सोशल मीडिया पर यू में जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत कंसर्नड हो गए हैं मिल्क क्रेट चैलेंज को लेके टिकटॉक ने यहाँ पर अच्छी बात ये की क्योंकि अब इंडिया में बैन है लेकिन बाहर उन्होंने ये जो चैलेंज uh, है इसको अपनी एप्लीकेशन से बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि ये इस तरह का एक्ट डेंजरस हो सकता है तो यहाँ पे हम मिल्क क्रेट चैलेंज के बारे में जानते हैं देखिए जिस तरह से इन्होंने मिल्क क्रेट्स ये क्रेट्स हैं जो बॉक्सेस हैं इससे एक स्टेयर के सा बनाया गया है सीढ़ियाँ जिस तरह से होती हैं एक तरफ से आपको चढ़ना है और दूसरी तरफ से उतरना है अपने आप को बैलेंस रख के अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो मिल्क क्रेट है हाईली इंस्टेबल है इनको चाहे एक के ऊपर एक बॉक्सेस आप रखेंगे अगर आप इस पर चढ़ेंगे और आपका बैलेंस ज़रा सा भी हिला तो आप इससे गिर जाएंगे अब यू में जितनी पार्टीज़ हो रही हैं या ग्राउंड में डिफ़रेंट लोग या सोशल मीडिया पर ट्रेंड के लिए अपने बैकयार्ड्स में ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं बहुत से लोग यहाँ से डायरेक्टली गिर भी जाते हैं चढ़ते हुए और जब गिर जाते हैं तो कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो फिजिकल इंजरी जो है ट्रेंड के चक्कर में उनको हो रही है तो यहाँ पे यही लिखा है इस चैलेंज में मिल्क क्रेट्स को स्टैक किया गया है इसको स्टैक करना बोलते हैं एक पिरामिड की शेप में कि एक तरफ से आप चढ़ेंगे और दूसरी तरफ से आप उतरेंगे और एक भी आपका स्टेप अगर हिला तो आप वहाँ से गिर सकते हैं बहुत ईजिली और आपको इंजरी हो सकती है ये वीडियो देखिए किस तरह से ये लेडी यहाँ से गिर गई तो ये वीडियो आपको ऑनलाइन बहुत इजीली इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी अब बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस पर जो कंसर्न है वो जताया है कि पोटेंशियली डेंजरस है चैलेंज ये तरह इस तरह का फेसबुक ट्विटर पे अभी भी क्योंकि ये चल रहा है टिकटॉक ने बैन कर दिया बट सोशल मीडिया इज़ ह्यूज व्हाट्सएप हो गया आपका इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक ट्विटर हर जगह ये चैलेंज चल रहा है टिकटॉक ने ऑल दो बैन किया है अब इससे कंसर्न क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि अब टीनेजर्स या जो स्कूल वाले बच्चे हैं कॉलेज के भी लोग हैं इनफैक्ट कुछ इन्फ्लुन्सर्स भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बैकयार्ड्स में की ट्रेंड चलता रहे और मिल्क ग्रेड्स इनस्टेबल होते हैं अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके पास बहुत इस तरह के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोगों को स्वेलिंग हो रही है क्योंकि गिर के वो अपनी बाजू तोड़ रहे हैं टांग तोड़ रहे हैं और उनको स्वेलिंग हो रही है और लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट्स आने शुरू हो गए अगर आप देखेंगे हमारा वो वक्त चल रहा है कोविड का टाइम चल रहा है कि कोरोना केसेज डेल्टा वेरियंट डेल्टा वेरिएंट जो आपका है उसके केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डॉक्टर्स पे हेल्थ केयर सिस्टम पे देश के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है अब उनको देखें या ये जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं इनको संभाला जाए तो इसलिए डॉक्टर्स का कंसर्न है कि कोरोना वायरसेस से केसेस डेथ्स इंक्रीज़ हो रही हैं बहुत से पार्ट्स में देशों के तो हॉस्पिटल्स आपके ऑलरेडी अंडर स्टाफ हैं कि आपका स्टाफ भी पूरा नहीं है, है इस तरह के चैलेंज जो हॉस्पिटल्स पर बर्डन है उसको और इंक्रीज कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको फिजिकल इंजरी हो सकती है जान के लिए भी खतरा हो सकता है तो मैंने टाइड पॉट चैलेंज को भी मेंशन किया था टाइड पॉट देखिए इस तरह का पॉड टाइड के पैकेट में आता था और इस ये जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है इसमें से पैक्स निकाल के लोग ऐसे खा के दिखाते थे कि वो उसको च्यू कर रहे हैं या दिन द प्रोडक्ट इज ऊजिंग आउट ऑफ देयर माउथ तो इस तरह का एक स्टूपिड सा चैलेंज ये भी चला था उस टाइम भी डॉक्टर्स ने बहुत कंसर्न दिखाया था क्योंकि इससे पॉइजनिंग हो सकती है क्योंकि केमिकल्स हैं ये जो केमिकल्स हैं अब देखिए देखने में बच्चों को भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव uh, लगते थे उनको लगता था कि कैंडी है जो अंडर फाइव बच्चे रहते हैं तो पेरेंट्स को भी हिदायत दी जा रही थी कि इसको बच्चों से दूर रखा जाए लेकिन टीन तो जान के ये चैलेंज कर रहे थे बहुत सारे केसेस 2017-18 में ये आने लगे और 2015 में एक्चुअली एक ये कहाँ से शुरू हुआ न्यूज़पेपर में एक एक सरकाज़म के तौर पे आप कह सकते हैं अनियन ने एक कॉलम पब्लिश किया था कि बच्चे इस तरह की कैंडी जो है डिटर्जेंट रेड एंड ब्लू डिटर्जेंट पॉट इसको खाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ कैंडी लाइक अपीयरेंस और उसके बाद सेवनटीन में हमने ये ट्रेंड देखा ये चैलेंज चल पड़ा जो कि बिल्कुल भी हेल्थ के लिए सही नहीं है और इस तरह के चैलेंजेस को इस तरह के चैलेंजेस को हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए अगर आपके पास कोई आया आपका फ्रेंड करे चलो ऐसा चैलेंज करके दिखाओ तो इस तरह के चैलेंज को आप आगे ना बढ़ाएं अब देखिए ये टाइड पॉड चैलेंज में ही 12,299 रिपोर्टेड एक्सपोजर्स थे जिन लोगों ने ये डिटर्जेंट पॉड के साथ चैलेंज लेने की कोशिश की गई बहुत सारे रिपोर्ट्स में बच्चे थे पाँच साल के नीचे जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे और बहुत डॉक्टर्स पे इसका बर्डन हुआ और उसके बाद इसको इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो हैं वो लिए गए तो यही था हमारा आज का लेक्चर जहाँ पे हमने कुछ चैलेंजेस के बारे में आपको बताया ट्रेंड्स के बारे में बताया सोशल मीडिया के जो कि हानिकारक हो सकते हैं आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ आप इस तरह के चैलेंजेस के बारे में क्या सोचते हो और किस तरह से हम इनको रोक सकते हैं कि आगे ना बढ़े ये ट्रेंड्स एक जगह पे ख़त्म हो जाएं बाकी आप कोर्सेज़ के लिए सेल चल रही है जैसे मैंने बताया यूपीएससी कोर्स पे भी सेल है वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए इसकी जानकारी के लिए थैंक यू सो मच